अयोध्या में बनने जा रही मस्जिद। सामने आया खूबसूरत डिजाइन, गुंबद का डिजाइन भी होगा अलग। 26 जनवरी से निर्माण शुरू। अयोध्या का विवाद काफी लंबा चला, लेकिन अब ये विवाद खत्म हो चुका है और अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों बनने जा रहे हैं। मंदिर का डिजाइन तो पहले ही सामने आ गया था, लेकिन अब अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का भी खूबसूरत डिजाइन सामने आ गया है। यहाँ बनेगी मस्जिद। अयोध्या के नजदीक धनीपुर गांव में बनने जा रहे मस्जिद की पहली तस्वीरें सामने आई है। 5 एकड़ जमीन में बनने वाली मस्जिद के डिजाइन को इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने सबके सामने पेश किया है। बता दें कि धनीपुर गांव में बनने जा रही इस मस्जिद का डिजाइन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट प्रोफेसर एस एम अख्तर ने तैयार किया है। बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवंटित धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन का गठन किया था। मस्जिद के ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के अनुसार ये मस्जिद विश्व में सबसे अलग मॉडर्न डिजाइन है और मस्जिद को सोलर लाइट से ही पावर सप्लाई मिलेगी। मस्जिद के नाम पर सस्पेंस। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन का कहना है कि मस्जिद का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है। आपको ये भी बता दें कि मस्जिद का नाम किसी भी सम्राट या राजा के नाम पर नहीं होगा। अतर हुसैन ने बताया है कि मस्जिद का नाम धनीपुर मस्जिद रखा जा सकता है। इसमें सुपर रेपेशलिटी हॉस्पिटल, कल्चरल रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और किचन भी बनेगा। मस्जिद परिसर के डिजाइन आर्किटेक्ट रिलीज होने के बाद इसका नक्शा पास करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कोशिश की जा रही है 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन इसकी नींव रखी जाए। महिलाओं के लिए अलग जगह। मस्जिद में महिलाओं के लिए अलग से जगह दी जाएगी। मस्जिद में करीब 2000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। मस्जिद में बनने वाले अस्पताल में 200 बेड की व्यवस्था रहेगी। इसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा। मस्जिद में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल होगा जिससे इसकी उम्र अधिक समय तक होगी। बाबरी से बड़ी बनेगी मस्जिद। अख्तर के अनुसार नई मस्जिद बाबरी मस्जिद से बड़ी होगी, लेकिन उसी तरह का ढांचा नहीं होगा। परिसर के मध्य में अस्पताल होगा। पैगंबर ने 1400 साल पहले जो सीख दी थी उसी भावना के अनुरूप मानवता की सेवा की जाएगी। इसमें कितना खर्च आएगा ये फिलहाल बताना मुश्किल है। ट्रस्ट ने बताया है कि परिसर में जो मजार मौजूद है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। विशाल मस्जिद में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।